पहला सेंटेंस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। हमने बोला यहाँ एक वैल्यू हमने ले लेनी है अपने से, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है ये बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या बोला फिर से बोलो, चेक दिया लेकिन पेमेंट के लिए नहीं गया, तुमने चेक किसी और को दिया होगा, यस या नो, तुम किसी को चेक, मान लो उसमें अमाउंट जोड़ देते हैं, मान लो 2000, तुमने 2000 का चेक किसी को दिया लेकिन वो बैंक में पैसा लेने नहीं आया, यही मतलब है आपकी ना, सबको बल्ले पड़ रहा है। चेक इशू करना मतलब हम किसी को चेक दे रहे हैं और वो बैंक में पैसा लेने नहीं गया, इस बात से एग्री है। तो तुम अगर चेक किसी को दोगे तो उसका असर तुम तुम्हारे कैश बुक में होगा कि कैश बुक में होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, करेक्ट, यस यू नो। किसी को चेक दोगे तो तुम लिखोगे ना पैसा गया, तो हमने चेक दिया तो ऐसी लाइन किसमें आधी आदत और चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, आपकी ना सेंटेंस खत्म, यहाँ का क्वेश्चन का काम खत्म, आपका काम शुरू, क्वेश्चन का काम खत्म, आपका काम शुरू, ध्यान दें कितना आएगा ये कितना आएगा, यस यू नो। अब हमको इसको करना है बराबर, क्या करना है, तब हमारा जो रूल था ना, क्या रूल था, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना, अभी ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन में करें, अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं मालूम है, ये वाला रूल लगेगा फिर क्वेश्चन, पहले हम क्या पकड़ रहे हैं, रूल और वैल्यू, रूल यानी प्लस का रूल लगना है, माइनस का रूल लगना है और उसमें कितनी वैल्यू जाए, ठीक। अब वो कैसे पता चलेगा, ये तो जो क्वेश्चन में कहा था वो मैंने कर दिया, अब तो सुधारना है ना, अब इसको बराबर कैसे करें, या तो 2000 प्लस तो बराबर हो जाएगा, या तो 2000 माइनस, तो पासबुक काम कर सकते हैं, नहीं सर, पासबुक तो हम छेड़खानी कर ही नहीं सकते, वो हमारे नहीं मिलेगा, बैंक ही कर सकता है, तो अब वो क्या करना पड़ेगा, कैश का प्लान, कैश बुक में 2000 यहाँ ऐसे गोला मारना है, हमारे काम का आइटम केवल ये है, बाकी अपनी माँ बाप को कोई नहीं है ना, अब तुमको इसका उदाहरण बताते हैं, देखो चलो कैश बुक, अगर मैं यहाँ 20000 भी लिख दूँ, 20000 लिख दूँ, चलो तो मैंने बोला कोई भी वैल्यू लिख दो, कितने का चेक तुमने दिया, माइनस बैंक में प्रेजेंट, ये हो गया कितना, ये कितना, बराबर कैसे होगा, काम मिला, यानी यहाँ कुछ भी डालने से फर्क पड़ने वाला, यहाँ तुम 2,00,000 भी डाल दोगे तो यही आने वाला, बल्ले पड़ रही है। हम ये वैल्यू से लेके चल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में जो वैल्यू था वो 10,000 से कम है, प्लस करना और माइनस करना,
लाख रुपए ले लेंगे तो 98,000 आएगा, जो फालतू का माथा फोड़ी जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है? पढ़ू आगे। हमने इसमें क्या किया? क्वेश्चन के दो हिस्से किए। पहले में बताया था क्या कर दिया, दूसरे में बताया है क्या नहीं। अब उसका फिर हमने प्लस माइनस किया, जो आया फिर हमने उसको सुधार। अब आपने जो लाइन लिखी है उसके नीचे इसको नोट कर लीजिए। अब जिस वैरायटी का क्वेश्चन वहां तक आएंगे। मान लीजिए वैरायटी का क्वेश्चन है क्या आ गया, उसका वैल्यू कहाँ लिखनी है? माइनस। याद करो प्रोफार्मा, कुछ आइटम ऐड होते हैं कुछ आइटम लेस होते हैं। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? ऐड, यानी ऐड करूँ। अब क्वेश्चन कौन सा दिया है? ये वाला। यहाँ तक आएंगे क्या आया? इसको लिखना कहाँ है? यहाँ लिख देना है, यहाँ देना। मान लो क्वेश्चन ये वाला दिया है तो लाइन वही है, करना वही है, लेकिन प्लस के रूल में क्या चलेगा? आगे बात समझ में आ रही है ना? अगर ये वाला फॉर्म, ये दोनों क्वेश्चन हुए ऐड वाले में लेस में चल रहा है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन हुए ऐड का नो ऐड में जाएगा। अभी इस पे दिमाग ना लगाओ, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो दिमाग में जाएगा। अभी केवल यहाँ तक दिमाग लगाओ, उस लाइन को हमको कैसे सॉल्व करना, वो लाइन सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद इसको यूज करना सेकंड पार्ट। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा 5-7 क्वेश्चन के बाद ये आप डीडी ना करोगे और इधर भी ना देखोगे, सीधे बोलोगे सर माइनस मिल जाएगा। जैसे जनरल एंट्री थोड़ा सी नई चीज है ना, दिमाग में सेट होने में थोड़ा तो अभी एक स्टेप पहले अपन चलना है। वो प्रोफार्मा दे दिया, आप आराम से प्रोफार्मा बना लेना कॉपी। अब ये हम समझाते जा रहे हैं, फिर इन पॉइंट को यूज करवाएंगे। सेकंड पॉइंट लिखो, चेक एक्सेट्रा पेड, पूरा मत लिखना, चेक एक्सेट्रा पेड, फिर स्लैश का निशान बनाओ। सेंड के बाद ऑब्लिक फिर स्लैश लगा के डिपोजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बोलो, बट नॉट कलेक्टेड, फिर स्लैश लगाओ कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड के बाद फिर स्लैश लगाओ, लिखो क्रेडिटेड by bank, not collected या slash credited by bank। तो वो जो slash लगाया है ना मैंने, वो इसलिए लगाया किसी क्वेश्चन में ये वाला शब्द मिलेगा, किसी में ये वाला मिलेगा, किसी में ये वाला मिलेगा, मतलब वही चेक डिपॉजिट करना,
के बैंक में जमा कर सकते। चेक बैंक में भेजना तो भाई के लिए भेजो, जमा कर बैंक में पेड करोगे तो भाई के लिए जमा कर दो, पेड कर दो तो बैंक रख ले, मतलब वही है। कलेक्टेड मतलब क्या, इकट्ठा करना, कई हफ्ते बाद इकट्ठा करना। क्रेडिटेड मतलब बैंक में जब पैसा आप क्लियर करो, जब आपके खाते में पैसा आता है उसमें लिख क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। देखा कभी? यस सर। जब बैंक में पैसा जमा होता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है, यानी तुम्हारे खाते में पैसा आ गया। जब बैंक से पैसा निकलता है तो डेबिट का मैसेज, यानी तो पैसा उल्टा नहीं चल रहा है, तुम्हारे लिए उल्टा चल रहा है। बैंक के लिए तो सीधा है ना, बैंक के लिए जैसे बैंक की जगह बैठ के देखो, बस्ते में पैसे जमा किए, बैंक की जगह बैठ के देख ना, कस्टमर ने जमा किया तो बैंक में तो आया, देने वाला कौन? कस्टमर। तो कस्टमर का नाम क्या हुआ? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मैसेज आया, तुम्हारे नाम को बैंक ने क्या किया? क्रेडिट। तुमको लग रहा है कि उल्टा हो रहा है, बैंक अपने लिए अकाउंट कर रहा, तुम अपने लिए अकाउंट कर रहा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। अब इस लाइन का मतलब क्या है बताओ? चेक एक्सेट्रा पेड सेंड या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इतने का पढ़ना तोड़ना है, पर पूरी लाइन को दू बैंक में चेक भेजा, यही मतलब है। काहे के लिए भेजते हैं? जमा करने के लिए। तो जब जमा करने के लिए तुम भेजे हो, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, हमारे पास 10,000 का बैलेंस है, तुमने चेक बैंक में 2,000 का भेजा, तो तुमने क्या किया हो? तुम कहाँ में करते हो? तुमने क्या किया हो? कैश बुक में तुमने क्या किया हो? प्लस की माइनस तुमने बैंक में जमा करने के लिए पैसा भेजा, तो तुमने कैश बुक में क्या किया होगा? कि बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? हम किसकी तुलना कर रहे हैं? ध्यान से समझना, कंपैरिजन किसका हो रहा है? कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक यह कैश बुक, हम कैश बुक के कैश वाले कॉलम की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम कैश बुक के डिस्काउंट वाले कॉलम को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कैश बुक के, क्योंकि बैंक का मिलान बैंक से होगा ना, बैंक का मिलान बैंक से होगा, बैंक का मिलान तुम्हारे काउंटर से थोड़ी होगा, यानी कैश से थोड़ी होगा। नाम कैश बुक है, कैश बुक के किस कॉलम से मिला रहे हो? बैंक वाले कॉलम से। तुमने पैसा बैंक में जमा करने भेजा, तो बैंक में तुम्हारे हिसाब से बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? तुम्हारे हिसाब से 2,000 रुपया बढ़ गया। ठीक, आधी लाइन पढ़ी, आधी लाइन पढ़ो। बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, बैंक में जमा नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब कट। तुम्हारे हिसाब से खाते में कितना पैसा पड़ा और बैंक में कितना पड़ा, अंतर आ गया। ये छोटे अमाउंट से लग रहा कि ये अंतर कोई अंतर नहीं, लेकिन सोचो जो बड़ी बड़ी कंपनी में किसी को 2 करोड़ का चेक दिए वो ले ही नहीं गया, तुमने 5 करोड़ का चेक जमा करने भेजा, जमा ही नहीं हुआ, तो ना भड़बड़ा जाओगे, सांस ना कट जाएगी, 5 करोड़ का दिया तो आदमी उड़ेगा ना, हम तो भेजे थे यार बैंक, जिसके हाथ भेजे थे वही लेकर फरार हो गया। जब बैंक में जमा करके आया, रसीद दिखा रहा है कि देखिए सर हम जमा किए हैं बैंक में, डिपॉजिट करके आए हैं, अब वहां क्या गलती हुई होगी? हो सकता है कि वहां पर वो चेक आपने जिस काउंटर में दिया, उस काउंटर का आदमी बड़ा व्यस्त था, जी साहब आदमी रख लिया, उसने चप्पा लगाया आपको,
अब वो आदमी को बीच में बॉस ने बुला लिया, मैनेजर ने, उसको कोई दूसरा काम पकड़ा दिया, एक घंटा वो वहां बिजी रहा, ठीक। उसके बाद जब वो लौट के आया तो चार सौ ग्राहक और आ गए, टाइम खत्म हुआ, उठाया बोलिया बिस्तर, घर चला गया। तुम क्या सोच रहे हो? पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। अब अगले दिन आया तो फिर अपने काम में लग गया, तो दिमाग से बात समझ आ रही है। अब क्या करोगे आप? बैंक जाओगे तो रसीद दिखाओगे, बोलेगा हाँ सब जमा तो हुआ है, इसको जमा किया। अच्छा गुप्ता जी जमा किया, गुप्ता जी रहेगा, गुप्ता जी चेक आया था अपने सीधा की दुकान से, काउंटर में रखा होगा, दिखा गया तो अपनी तरह सीधा दिखा। बात पल्ले पड़ी, ये बात कैसे सामने आई? जब आपने भेजा था बैंक के खाते में पैसा नहीं आया, समझे? यहाँ पे क्या एडजस्ट किया? यहाँ पे क्या करेंगे आप? तो हम यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, पासबुक में लिखना हमारे बस की बात नहीं। तो हम क्या करेंगे अब? ये हम जाके बैंक को दिखाएंगे, भैया हमारे कैश में ये लफड़ा हो रहा है, कहाँ है हमारा 2 करोड़ का चेक? ले गए थे यहाँ से, क्या पता चला कि रूल कौन सा लगेगा? माइनस का। वैल्यू कितनी यूज होगी? बात समझ में आ रही? आपकी इस पूरी महाभारत का कोई यूज नहीं, लेकिन जो 2000 निकालने के लिए पूरी घड़े करनी बोलो सर, बार बार वही वही तो आ रहा है, कहे कोई महाभारत करनी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने 3 लोगों को चेक किया, ध्यान देना मेरी बात, तुमने चेक दिया 3 लोगों सेम डेट सेम टाइम, एक आदमी को दिया है 3000 का, एक को दिया है 4000 का, एक को दिया है 5000। तुमने चेक इशू किया पहले वाले पॉइंट पे, चाहे इस पे लगो चाहे इस पे लगो, गांधी वही है, माने तुमने 3 लोग चेक जमा करने भेजे गए इसी जाए, तो तुमने यहाँ क्या किया होगा? प्लस 12000 देना, कितना हो जाएगा? ठीक है ना, ध्यान देना। अब आगे लिखा है कि 1 check of ₹5,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 1 check of ₹5,000 वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सर वॉट वॉज नॉट डिपोजिटेड। तुमने डिपोजिट करने भेजे थे, पहले वाले पहुंच गया, ऐसे करते होंगे। सेंड 3 check टू डिपॉजिट ऑफ ₹3,000, ₹4,000, बट चेक ऑफ ₹5,000 वॉज नॉट डिपॉजिट बाई बैंक, 5000 का चेक बैंक ने जमा नहीं किया। अब 5000 का जमा नहीं हुआ, जमा कितना हुआ? 7000। बैंक में कितना जमा हो गया? बैंक में कितना हो गया खाते में? 17000। अब कितने का अंतर है? आ गया 5000। हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हमको ये निकालने के लिए करना है। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा बत्ती जलेगी धीरे धीरे, तो हमको लाइन समझना जरूरी है। वो लाइन क्या क्या रही है? वो लाइन को हमको क्या करना है? 2 हिस्सों में तोड़, आधी अलग आधी अलग, आधे में लिखा होगा हमको क्या करना था, आधे में लिखा होगा क्या हो गया, क्या लिखा था? चेक सेंड टू बैंक, चेक बैंक ने भेजा, ठीक है, तो प्लस बट नॉट डिपॉजिटेड बाय बैंक, बैंक ने जमा नहीं किया। सुधार लेंगे, अब वो सुधार लेके बैंक के पास जाएंगे, भैया ये गड़बड़ है सुधारो। बात समझ में आ रही है? अब बोलोगे सर इतना कौन करेगा, सीधे चेक उठा के लेने चले जाएंगे, ये तुम्हारा अपने नजरिए से क्यों सोच रहे हो? टाटा के नजरिए से सोचो ना, वो दिन भर में 1500 चेक देता है, बिरला के नजरिए से सोचो ना, दिन भर 5000 चेक इशू करता है। बात समझ में आ रही है? तो वहां जब ऐसा होना महीने भर में 150 बार होता है, तो वो हर बार पहुंचे क्या अकाउंटेंट? बैंक वाले बोले भाई
कितने काम होगा मेरे पास, चलो चला आता है। बैंक वाला क्या बोलेगा, भैया एक पूरा टीम बना लो हमारे साथ बैठो, आधा घंटा में हम सब शॉर्ट आउट किए देते हैं। समझिए वहां पे हमको टाइम ये चाहिए भैया, धीरे धीरे मामला शॉर्ट आउट। उसका तरीका होता है डिटेल लेके जाओ, सिस्टम लेके जाओ, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसको बना रहा हूँ, कल देखिए।